तो वैसे साथियों, सीए का प्रोटेस्ट सारी दुनिया में चल रहा है। दुनिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के अलग अलग जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से कुछ वीडियोस आई और उनके बारे में देखने के बाद पता चला। लेकिन ये लोग स्टार बन गए। एक फिल्म है जो जिंदगी के अंदर चल रही है हर किसी की, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, सलमान खान, अजय देवगन, काजोल, बहुत सारे फिल्म स्टार हैं। और ख़ास तौर से जो दिल्ली के जामिया से पढ़े हुए हैं, उनकी मजबूरी हम लोग समझ सकते हैं कि वो लोग क्यों नहीं आए। लाखों करोड़ों रुपया लगा होता है और अगर किसी तबके के लिए हमने कुछ बोल दिया तो हो सकता है दूसरा तबका नाराज़ हो जाए और करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो जाए। और जब एक फिल्म बनती है तो उससे सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं, सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चल रही होती है। लेकिन एक तरफ बात आती है कि एक होता है फिल्म का पर्दा और एक होता है असली जिंदगी का पर्दा, जहां पे असली स्टार बनते हैं दुनिया के लिए, देश के लिए और इतिहास के लिए। अपन लोगों की क्या मजबूरी है, वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, ये हम और आप शायद समझ सकते हो। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनका मत है अपना। मोदी जी के साथ में सेल्फी खिंचा लेते हैं, शायद हो सकता है कि वो उनके कोई बड़े प्रोजेक्ट लगे हों। लेकिन सच तो सच होता है, जिन लोगों के दिलों पर आप लोग राज करते हो असली स्टार बनने के लिए, आज फिल्म नहीं जिंदगी की वो हकीकत लिखी जा रही है, जिसमें अगर आप लोग आओगे, आप लोग लोगों को समझाओगे, बहुत सारे आपके चाहने वाले आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जब आप जिंदगी की रियल फिल्म में आओगे, जो रियल फिल्म बन रही है, एक होता है रियलिस्टिक, ये है रियलिस्टिक, ये रियल फिल्म है। यहाँ जो आएगा, यहाँ जो होगा, वो असली हीरो होगा। हम आपको नहीं कह रहे कि आप नकली हीरो हैं, लेकिन जो जो यहाँ पर आ रहा है, जो जो यहाँ पे पहुँच रहा है, या जो अपना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मैं जामिया गया, मैं कुरेजी गया, दिल्ली के कई जगह गया, तो वहाँ पे जो आदमी एक चाय पिला रहा है ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। चूल्हा बना के बड़े बड़े पतीलों में चाय बन रही है, जो उसके लिए ईंट उठा के लाया है ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। जो लोग पत्ते, जब सुबह आलू की सब्जी पड़ती है, लंगर लगता है वहाँ, हमारे सिख भाइयों ने लंगर लगा रखा है, उसके लिए जो एक प्लेट आती है ना छोटी सी गत्ते की पत्तल, वो जो बंदा लेके आ रहा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। और वो माएँ बहनें जो दिन रात बगैर देखे हुए और कुछ नीच लोगों के इल्ज़ामों को सहते हुए, वो लोग, वो माँ बहनें और हमारे भाई साबित कर रहे हैं कि जब देश के लिए ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम आगे आते हैं। वो युवा तबका, वो हमारे नौजवान भाई, वो हमारी माँ बहनें आज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, जिससे जो हमारे देश को चलाने का असली मूल है, जिसे कहेंगे बेस है, उसको बचाने के लिए वो सड़कों पर हैं। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मैं गया था, जब मैं जैकेट पहन के गया था और जब मैं वापस आया सुबह 4 बजे, तो मेरी जैकेट गीली हो रही थी, कोहरा पड़ रहा था। आपने कई वीडियो में सुना भी होगा माइनॉरिटी न्यूज़ की, उनके जज्बे को सलाम है, सीरियसली बड़ा वाला। और ये बातें मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा, दिल से कर रहा हूँ, क्या खाली वीडियो बनाने के लिए इधर दर्द है, तकलीफ है कि जो हमारी माताएं बहनें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और मैं उन लोगों को ख़ास तौर से बताना चाहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान हो अल्लाह काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे दलित भाई, एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसमें शामिल हैं, और वो लोग शामिल हैं जो अपने देश को एक साथ देखना चाहते हैं। वो लोग देखना चाहते हैं कि हमारे देश की स्ट्रेंथ है,
जो लोग उन्हें तोड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन ये जज्बा जारी रहेगा, जो हमारे लोग हैं, हमारी माँ बहन भाई, हमारे मतलब देश के जो भी आपको प्रवोक कर रहे हैं, जो लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, जो लोग आपको वो अल्फाज जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता वो सब कुछ बोल रहे हैं, छोड़िए, इग्नोर करिए। हाथी हो आप लोग, हाथी, सुनिए ना कहावत हाथी वाली, ध्यान रखिए। और क्योंकि हम इतने गंदे अल्फाज नहीं बोलेंगे, अपने रास्ते चलते जाइए आप, हम आपके साथ हैं। हमारा एक छोटा सा मीडिया है, छोटा सा मीडिया ग्रुप है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा भी है, जितना भी है, आपके साथ है 24 घंटे। लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम धर्म का मामला है, नहीं, ये मुस्लिम धर्म का नहीं, ये हमारे देश का मामला है। मुस्लिम धर्म का मामला था 3 तलाक, मुस्लिम धर्म का मामला था बाबरी मस्जिद, नहीं बोले थे, लेकिन अब ये हमारे देश का मामला है और देश के लिए सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे, हो गए। और हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो इंसान जेल गया, जामा मस्जिद पे पहुंचा, देश को जोड़ने के लिए संविधान को पढ़ा उस बंदे ने, जय भीम। साथ रहना है हमें, बटना नहीं है, ये हम लोगों की ग्राउंड है, एकता और यूनिटी। इस एकता और यूनिटी को देख करना, ये जो जितने भी टट्टू होते हैं साले भागने लगते हैं, डर जाते हैं, जब देश के अंदर जनता एकता में आ जाती है, यूनिटी बना लेती है, तो बड़े बड़े नेता मंत्री अपनी सत्ता और सीट बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। कुछ भी करो, हमारी सीट बचनी चाहिए। आज मैंने एक फिल्म देखी, KGF है, KGM है, Chapter 1, यूनिटी की क्या ताकत होती है आप देखिएगा, बहुत उसमें यूनिटी बताई है कि आखिर आखिर इंसान को एकता, जब उसकी जो बिखरे हुए होते हैं ना, जब वो एक हो जाते हैं तो सत्ताधारियों के लिए खतरा बन जाते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों के पास में पता नहीं टाइम हो या नहीं हो, लेकिन हमें एकता बनाए रखनी है। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, बहुत सारे सिख दोस्त हैं, सबसे कहेंगे यार हमें अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जिससे हमारे देश एक मजबूत देश बने, हमें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा, हम और आप जब एक साथ होंगे, एक से एक का हाथ पकड़ा जाएगा, जब चेन बनेगी ना, चेन, तो हम विश्व गुरु बनेंगे। और अगर हमारे सपने को कोई तोड़ेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये हमारा भारत है, इस भारत को हम लोगों को बटने नहीं देंगे, कसम खानी चाहिए हम लोगों को। और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो भाई नफरत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जितनी करनी है करो, लेकिन उन लोगों को सलाम है जो देश के अंदर अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी उसने कंट्रीब्यूशन किया या आगे करेंगे। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूँ, सलाम है उन सब लोगों को। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारा जो सोशल मीडिया है वो हमारी ताकत है, हमें गोदी मीडिया से लड़ना है। जो गोदी मीडिया है हमारे लिए रोज़ नए प्रोपेगेंडा लेकर आ रहा है, वो डिबेट नहीं करेगा रोजी पर, वो डिबेट नहीं करेगा GDP पर, वो डिबेट नहीं करेगा कि देश के अंदर कितनी जो कंपनियाँ हैं वो बिकती चली जा रही हैं, वो डिबेट नहीं करेगा कि सड़कें ख़राब हैं, वो डिबेट नहीं करेगा कि लोगों को पानी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसे पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में वो हुआ, पाकिस्तान में किसी के साथ में ये घटना घटी, पाकिस्तान में वो घटना घटी। अरे भैया, तुम पाकिस्तान की छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे नृशंस घटनाएँ होती हैं जो आपको या आपके कॉरेस्पॉन्डेंटों को नहीं मिलती, आप सीधे पाकिस्तान में छलांग मारते हो। दिल्ली के अंदर डेली घटनाएं घटती हैं कुछ ना कुछ, दिल्ली के आसपास या हमारे पूरे भारत में, वो खबरें नहीं मिलती,
एक बड़ी छोटी सी खबर थी पाकिस्तान की, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, लेकिन उससे बड़ी खबर उसी दिन हमारे हिंदुस्तान की थी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी बच्चे की आबरू लूट ली गई थी, लेकिन वो खबर नहीं थी, खबर थी पाकिस्तान। तो मेरे मीडिया वाले दोस्तों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम्हारी भी परेशानी है, क्योंकि जो जिस चैनलों में आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ सैलरी मिल रही है। वहाँ से जाओगे तो कहाँ जाओगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपका परिवार है, मजबूरी है आपकी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आइए आज अपनी जो आपने कसम खाई है या जो आपको सिखाया गया है, सत्य की खोज करने वाला सत्यन्वेषी, सत्यन्वेषी हो आप, सत्य की खोज करो, जनता के लिए खड़े हो। अरे जॉब को छोड़िए, जनता हमारे साथ होनी चाहिए, आप जनता के साथ होने चाहिए। आइए, सैलरी क्या, बहुत कुछ मिलेगा। जब हमारा देश मजबूत हो जाएगा तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत राष्ट्र मिलेगा हमें। मत तोड़िए, प्लीज मत तोड़िए, ऐसी डिबेटें मत करिए, छोड़ दीजिए चैनलों को। गुजारिश है आपसे, आप लोग हमारे साथ आए, एक जनपक्षधर मीडिया बनाते हैं, जो हमारा छोटा सा ग्रुप है, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, ये हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए। आइए एक बार, आपको सत्ता का पक्षधर नहीं होना चाहिए, सत्ता की जो अच्छी बातें हैं उन्हें भी जनता तक पहुंचाना चाहिए, और जो सत्ता की गलत बातें हैं वो भी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को बेचना छोड़ दो, प्लीज। एक बार जिस दिन तुम्हारा जमीर जाग गया, 72 घंटे के अंदर मीडिया वो पावर रखती है कि देश की हर सत्ता हर राजनीति को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, बहुत ताकत है। आज तक के बारे में कह रहा हूँ, जी न्यूज के बारे में बोल रहा हूँ, NDTV के बारे में बोल रहा हूँ, इंडिया TV के बारे में बोल रहा हूँ। जिस दिन सच के रास्ते पर चल दिए, उस दिन हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। प्लीज पत्रकारिता जो कहती है वो करिए, हमारा देश बिक रहा है। जो संस्थान आपको ऐड देते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो संस्थान बिक रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और सोचिए, जब ये सारे संस्थान जो आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलना बंद हो जाएगा, कैसे चलेंगे आप लोग? जनता आपको पैसा देती है, जनता के पैसे से आपके चैनल चलते हैं, जनता जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप व्यूवरशिप बताते हो जब किसी से ऐड लेने जाते हो, जनता देखती है कि आपकी कितनी TRP है, कितने लोग आपको देखने वाले हैं। जब जनता आपको देखना बंद कर देगी तो आपको विज्ञापन मिलना बंद हो जाएंगे। और हाँ, जो हम लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम विज्ञापन नहीं लेते, हम कोई सरकार से विज्ञापन नहीं लेते, ये आपका मीडिया है। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो भी अपने मीडिया से जुड़ना चाहे, जनपक्षधर मीडिया से जो भी जुड़ना चाहे, वॉलंटरी तौर से जुड़ना चाहे, मोस्ट वेलकम है, वो जुड़ सकता है, अपने देश को बचाने के लिए, सच की आवाज़ को उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से, जो भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब लोगों को दिल से सलाम करता हूँ, और सभी को जहाँ भी देश में, जहाँ भी लोग रातों में ठिठुरती हुई सर्दी में बैठे हैं, उन सभी के जज्बे को मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।